हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट थर्ड का एक टॉपिक बर्नौली थ्योरम पर बात करेंगे। बर्नौली थ्योरम के लिए डेरिवेशन किस तरह से डिराइव किया जाता है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट और साथ ही हमें बर्नौली थ्योरम के लिए क्या इक्वेशन प्रूव करनी है ये समझाया था। बर्नौली थ्योरम के लिए हमें इक्वेशन प्रूव करनी है हाफ डी वी स्क्वायर प्लस डी जी एच प्लस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो प्रूफ, हम एक सीडी ट्यूब कंसीडर करेंगे जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की है, मतलब एक असमान नली है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी से कुछ हाइट पर रखी है। इसमें एक फ्लूड या लिक्विड हम फ्लो करते हैं जो नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और स्ट्रीमलाइन लिक्विड है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होने से यहाँ पर जो वेलोसिटी और प्रेशर की कंडीशंस है वो भी दोनों साइड में अलग अलग होती है। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक सीडी ट्यूब है जो ए बी से एच वन और एच टू हाइट पर रखी है। सी साइड में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज ए वन है और डी साइड में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज ए टू है। यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसकी वेलोसिटी वी वन और डी साइड से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी वी टू। सी साइड में जो लिक्विड का प्रेशर है वो पी वन और डी साइड में जो लिक्विड का प्रेशर है वो पी टू। एंड ए बी से इनकी हाइट, सी साइड की हाइट है एच वन और डी साइड की हाइट है एच टू। सो यही सभी चीज़ें हमें इस डायग्राम के कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। डायग्राम से क्लियर है कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, देन एरिया बड़ा होने से यहाँ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सो पी वन ग्रेटर देन पी टू। यदि हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो जहाँ का एरिया कम है वहाँ से लिक्विड जल्दी से तेज़ी से फ्लो होगा। मतलब यदि हम इन दोनों एरिया की बात करें कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो ए वन का एरिया बड़ा होने के कारण यहाँ की वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। मतलब ए वन क्रॉस सेक्शन एरिया में लिक्विड की वेलोसिटी वी वन कम होगी वी टू से, इसलिए हम लिख सकते हैं वी वन लेस देन वी टू, क्योंकि एरिया कम होने से यहाँ का जो लिक्विड है वो स्पीड से बाहर आएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम आसानी से इस डेरिवेशन को याद रख सकते हैं और वन बाय वन टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी। हमें इस डेरिवेशन के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन काइनेटिक एनर्जी डिराइव करनी होगी। उसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर प्रेशर एनर्जी और लास्ट में हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, और यदि हम इस डायग्राम से देखें तो वी वन और वी टू हमने एरिया के अकॉर्डिंग देख लिया है कि कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और कहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। सो यदि हम यहाँ पर देखें तो V1 वेलोसिटी कम है as compared to V2 के, तो यहाँ पर यदि हम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी देखें तो इस पॉइंट पर या C साइड पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी as compared to D साइड। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लिक्विड जैसे जैसे फ्लो होगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर इस ट्यूब में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे इसलिए हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हम बात करें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, जहाँ एम है उसका मास, हम इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच। हम यहाँ पर यदि हाइट की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि
जो सी साइड है इसकी हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डी साइड के। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। सो जहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर हाइट कम होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यदि हम देखें तो लिक्विड जब फ्लो होता है तो डी साइड तक आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि यहाँ की हाइट ज़्यादा है इससे, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ये हो जाएगा एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, इक्वेशन टू। अब हम निकालेंगे प्रेशर एनर्जी जो कैलकुलेट होगी वर्क डन से। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो लिक्विड है ये फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम वर्क डन निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हमारे पास एक प्रेशर और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से यदि हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हम सी साइड के लिए निकाल रहे हैं, तो सी साइड के लिए हमारे पास एरिया है ए वन और प्रेशर है पी वन, इसलिए हम फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी वन है, जो टी टाइम के साथ में अपने डिस्टेंस चेंज कर रही है या आगे बढ़ रही है। सो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख सकते हैं वी वन टी। जब हम इस पूरे टर्म को देखें तो हो जाएगा पी वन ए वन वी वन टी, जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यदि हम इस पूरे पॉइंट को देखें ए वन वी वन टी, तो ए वन हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है और वी वन टी का मतलब है जो फ्लो, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट वी वन टी हो रहा है। यदि हम इसको देखें तो ये एरिया, और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है इतनी हाइट पर फ्लो हो रहा है, तो एरिया इंटू हाइट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। सो ये पूरी टर्म यदि हमारे पास वॉल्यूम हो गई है तो वॉल्यूम और डेंसिटी में भी रिलेशन होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी वन एज इट इज़ और वॉल्यूम की जगह पे हो जाएगा एम अपॉन डी। देन ये हमने कैलकुलेट किया वर्क डन सी साइड के लिए, एज इट इज़ हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं डी साइड के लिए, जहाँ पर प्रेशर है पी टू एंड ये वाली टर्म पूरी एज इट इज़ एम बाय डी, यही वाली पूरी प्रोसेस इसके लिए भी यूज़ होगी और वर्क डन हो जाएगा पी टू एम अपॉन डी। सो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वर्क डन हो गए, सी साइड के लिए और डी साइड के लिए, इसलिए हम यहाँ पर इसका नेट वर्क डन निकाले, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन एम अपॉन डी माइनस पी टू एम अपॉन डी, इक्वेशन थर्ड। देन यहाँ पे हमने कीवर्ड्स में ये तीन एनर्जी सॉल्व कर ली है, लास्ट कंडीशन है हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, सो हम इसका यूज़ करेंगे। एक टर्म में इंक्रीज़ हो रही है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एक तरफ, और हम दूसरी तरफ ले सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, तीनों की वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे, वन वाली टर्म एक साइड और टू वाली टर्म एक साइड कर दी। देन इसके बाद में हमने d बाय m से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी हाफ डी वन स्क्वेयर प्लस डी जी एच वन प्लस पी वन इज इक्वल टू हाफ डी वी टू स्क्वेयर प्लस डी जी एच टू प्लस पी टू। देन यदि ये टर्म एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ डी वी स्क्वेयर प्लस डी जी एच प्लस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही इक्वेशन हमें प्रूफ करनी थी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और हम इस तरह से कीवर्ड बना के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस डेरिवेशन को आसानी से याद भी कर सकते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।